बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के हवाले से। आज के हमारा टॉपिक से कि टिपिकल डीएसपी ऑपरेशंस कौन कौन सी हैं और इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम ब्लॉक डायग्राम में या सिंबॉलिक डायग्राम में हम कैसे करते हैं डीएसपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है डीएसपी ऑपरेशंस के हवाले से। अब डीएसपी ऑपरेशंस का मतलब डीएसपी के काम, डीएसपी का काम कौन करके हमें करके देता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है डीएसपी प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर क्या क्या काम हमारे लिए करके दे सकता है, उसमें सबसे पहला काम है एडर। डीएसपी प्रोसेसर एडर के तौर पर भी काम कर सकता है, मतलब ये एडिशन करेगा दो सिग्नल्स को। डीएसपी प्रोसेसर हमारे लिए सब्ट्रैक्टर के तौर पर भी काम कर सकता है। इसी तरह थर्ड हमारे पास इसकी जो यूज़ है, समेशन, कि मल्टीपल वैल्यूज़ को जमा करने के लिए भी ये काम कर सकते हैं। मोर देन टू वैल्यूज़ की एडिशन को हम समेशन कहते हैं। तो ये काम भी हम डीएसपी प्रोसेसर से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह हम किसी सिग्नल के टाइम डोमेन में या किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या हम डिले करना चाहते हैं सिग्नल को, हम कहते हैं थोड़ा सा लेट मिले किसी डिवाइस को, तो उसके लिए ये डिले या यूनिट डिले भी ला सकते हैं, एक स्टेप का डिले। अब ये सारे काम हम कैसे इससे करवा सकते हैं और इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, और स्पेसिफिकली मैथमेटिकली तो सबको पता है कि एडिशन अगर हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं। डीएसपी का मतलब डिजिटल, डिजिटल का मतलब डिस्क्रीट वैल्यू। एक होती है कंटिन्यूस वैल्यू, एक होती है डिस्क्रीट यानी कि डिजिटल वैल्यू। तो पहले आप इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लें कि ये अगर किसी जगह पे एक्स, यहाँ पे एक्स ऑफ टी लिखा है, तो ये टाइम डोमेन क्योंकि कंटिन्यूस होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस सिग्नल होगा, एनालॉग सिग्नल। इसके मुकाबले में डिस्क्रीट या डिजिटल सिग्नल को जाहिर करने का तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे एक्स ऑफ एन लिखा होगा, यहाँ पे एन लिखा होगा, एन सैंपल। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन के लिए ये याद रखें कि हमारे पास सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजिटल फॉर्म में एक्स ऑफ एन यूज़ किया जाता है, एनालॉग फॉर्म में एक्स ऑफ टी यूज़ किया जाता है। अब मैं इसकी रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन लिखना चाहता हूँ इन तमाम ऑपरेशंस के सामने। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो इनपुट सिग्नल है इन प्रोसेसर के लिए वो है एक्स ऑफ एन। किसी जगह पे ज़्यादा चाहिए तो इनपुट तो हम एक्स वन एक्स टू कह देंगे, तीन चाहिए होंगी तो हम एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कह देंगे। पर हम इनपुट के लिए वेरिएबल टर्म एक्स ऑफ एन यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। अब दो वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल दो सिग्नल है, एक एक्स वन ऑफ एन है, दूसरा एक्स टू ऑफ एन है, तो दोनों को जमा करना है, तो सिंपली आप इस तरतीब से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका मैथमेटिकल वर्जन है। सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ एन से एक्स टू ऑफ एन हम माइनस करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन इसकी थोड़ी डिफरेंट है, एडर की तरह ही है, लेकिन मैथमेटिकल वर्जन में हम यही लिखेंगे। समेशन कहते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को जमा करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ एक्स वन जमा एक्स टू जमा एक्स थ्री जमा एक्स फोर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा मैथमेटिकल वर्जन में, मैं समेशन का निशान लगाऊँगा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा आई, जिसकी वैल्यू वन से लेकर फोर तक होगी। वन से लेकर फोर तक क्यों ले रहा हूँ, क्यों मैं, क्योंकि मैं एक्स वन ऑफ एन प्लस एक्स टू ऑफ एन प्लस एक्स थ्री ऑफ एन प्लस एक्स फोर ऑफ एन को जमा करना चाहता हूँ, मतलब वन से फोर तक को जमा करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं जनरल एक्स लिखता हूँ, एक्स ऑफ एन, और उसके साथ नीचे आई लिख लूँगा कि वेरिएबल आई जिसकी वैल्यू पहले वन ली जाएगी, एक्स वन ऑफ एन बन जाएगी, प्लस समेशन की वजह से प्लस हो जाएगा ये, किस चीज़ के साथ,
वन के बाद टू की वैल्यू आती है एक्स टू एफ एन के साथ, फिर थ्री एक्स एफ थ्री एफ एन, फिर एक्स फोर, इस तरह इसको ऐड करेंगे मल्टीपल वैल्यूज को सिग्नल्स को। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन आपके पास दो सिग्नल का करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिग्नल फॉर एग्जांपल एक्स वन ऑफ एन है, दूसरा सिग्नल हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कन्वोल्यूशन का सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं, आप स्टेरिक कह दें, एक्स वन ऑफ एन एक्स टू ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट डिले कैसे होता है कि अगर हम किसी एक्स वन ऑफ एन इनपुट दे दें तो यूनिट डिले से क्या हो जाएगा, अगर हम एक स्टेप का डिले दे रहे हैं तो एक्स वन ऑफ एन इनपुट देने से एक्स वन ऑफ एन माइनस वन बन जाता है, वन स्टेप डिले इसको मिल जाता है। तो ये तो मैथमेटिकल वर्जन में इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, तो ये मैं बीच में जो नाम है ये मैं मिटा रहा हूँ और इसकी जगह पे इन इक्वेशंस के लिए एडर, सब्ट्रैक्टर, समेशन, मल्टीप्लिकेशन और यूनिट डिले के लिए मैं सिंबॉलिक डायग्राम्स यहाँ पे बनाऊँगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन है, एक इनपुट है x1 ऑफ n, दूसरा इनपुट है x2 ऑफ n। अब हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो एक सर्कल बनाएंगे, उसके इधर सेंटर में हम प्लस का निशान लगाएंगे, इनपुट के लिए एरो इस प्लस की तरफ बनाया जाता है, x2 ऑफ n के लिए भी इसकी तरफ बनाया जाता है। आउटपुट कहाँ से लिया जाएगा, एरो आउटवर्ड। लेट सपोज आउटपुट को हम नाम देना चाहते हैं y, तो आंसर या इन दोनों की जमा का जो रिजल्ट सिग्नल मिलेगा वो y ऑफ n हो। तो ये लेट सपोज y ऑफ n इज इक्वल टू x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं माइनस करना चाहता हूँ, एक्स वन ऑफ एन से एक्स टू ऑफ एन माइनस करना चाहता हूँ, तो सेम सिंबॉलिक डायग्राम यूज़ करूँगा, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क हो जाएगा, समेशन ही यूज़ करूँगा, एडर ही यूज़ करूँगा। एक्स वन ऑफ एन चूँकि इससे हम एक्स टू ऑफ एन माइनस कर रहे हैं इसलिए साथ प्लस लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके साथ यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि एक्स वन ऑफ एन को माइनस एक्स टू ऑफ एन के साथ हम ऐड करेंगे। तो लेट सपोज ये वाई वन था फर्स्ट फंक्शन का, इसके रिजल्ट को हम नाम देते हैं वाई टू ऑफ एन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा वाई टू ऑफ एन, इसको वाई थ्री का नाम दे देते हैं, इसको y4, इसको y5। तो मैं ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे पूरी इक्वेशन आउटपुट पे नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ इसकी सिंबॉलिक ये वाली वैल्यू लिखूँगा रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं थर्ड की तरफ, थर्ड में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज है 1 to 4, तो मैं क्या करूँगा, एडिशन ही करनी है हमने लेकिन फोर सिग्नल्स की, जितने सिंबल उतने एरो। यहाँ पे फोर है तो आप इस तरह कर लें, ज़्यादा हो तो बीच में डॉट डॉट लगा दे और आखिर वाला यहाँ पे। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ चार है तो इसलिए मैं डायरेक्ट चार एरो लगा लेता हूँ यहाँ पे। पहला इनपुट एक्स वन ऑफ एन, दूसरा इनपुट मैं कहता हूँ एक्स टू ऑफ एन, तीसरा एक्स थ्री ऑफ एन, फोर्थ वाला एक्स फोर ऑफ एन, आउटपुट को मैंने नाम क्या दिया वाई थ्री ऑफ एन। तो ये समेशन की लिए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल आपके इस तरह ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आप करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये प्लस वाले निशान को मल्टीप्लिकेशन वाले निशान से रिप्लेस करें। तो वाई फोर ऑफ एन के लिए मैं बनाना चाहता हूँ, तो ये ऐसे लेट सपोज एक्स वन ऑफ एन मैं एक्स टू ऑफ एन के साथ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, दो सिग्नल है तो ये मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आएगा वाई फोर ऑफ एन आएगा रिजल्ट जो इसके बराबर है। तो ये इस इक्वेशन का, इस ऑपरेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट वन जो हमारे पास क्या है, डिले। डिले के लिए क्या किया जाता है, सिंपली
एक डिले यूनिट, इसे हम ब्लॉक बना लेते हैं, और कभी कभार जेड पावर माइनस वन लिख लेते हैं, आगे हम देखेंगे जेड क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म करके, लेकिन बहरहाल मैं जनरली यहाँ पे लिख रहा हूँ डिले का कोई यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल करें। अगर डिले के लिए एक्स वन ऑफ एन यहाँ पे दिया जाता है, एक डिले का मतलब आउटपुट क्या बन जाएगा, एक्स वन ऑफ एन से एक्स वन ऑफ एन माइनस वन बन जाएगा। तो ये एक फ़र्क है हमारे पास डिले रिप्रेजेंटेशन के लिए सिम्बॉलिक फॉर्म यूज़ करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देखेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तो आप वीडियो वॉच कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि ताकि स्टूडेंट्स को इस लॉकडाउन के वजह से स्टडी में कोई फ़र्क ना पड़े। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।